औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज रिलेटिव प्रोनाउंस। आज हम ये देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं और हम कैसे उनको सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनके यूज़ को। सबसे पहले हमने ये देखना है कि रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस आर हु, हूज, विच, हूम, व्हेन, वेयर, व्हाई, what and that, but here they are not used for asking questions but to join two sentences। जैसे हमने पहले interrogative pronouns पढ़े थे, उसमें भी हमारे पास ये वाले जो WH question वाले words हैं वही थे, लेकिन यहाँ पर आप इनके use पर depend करता है कि कैसे हमें ये पता चलेगा कि ये relative pronouns है या कि interrogative pronouns है। जब हम इनको relative pronouns के तौर पर use करेंगे, who, whose, which, whom, when, where, why, what एंड दैट को, तो तब हमने इनको सवाल पूछने के पर्पज से यूज नहीं करना बल्कि टू सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करने के लिए, मिलाने के लिए यूज करना है। अब हम ये देखते हैं, हु है हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन, हुज है, विच है, हुम है, व्हेन है, वेयर है, व्हाई, व्हाट एंड दैट, ये वाले जो प्रोनाउंस हैं इनको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। अब हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि आपको अच्छा सा समझ आ जाए। एग्जाम्पल नंबर वन हम देखते हैं, जैसे हम कहते हैं अली इज द आर्किटेक्ट, अली इज द आर्किटेक्ट हु डिजाइंड, हु डिजाइंड आर न्यू लाइब्रेरी। अब यहां पे देखें कौन सा हमने रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया है, हु का। तो यहां पे ये देखें हु का हमने यूज क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं किया बल्कि हमने ये देखा है कि अली इज द आर्किटेक्ट, अली वो आर्किटेक्ट है, मायरे तामीरात है, हु डिजाइंड आर न्यू लाइब्रेरी, जिसने हमारी न्यू लाइब्रेरी को डिजाइन किया है। अब यहां पे हु का कैसे मीनिंग आया, जिस ने, तो यहाँ पे टू सेंटेंसेस को आपस में इसने ज्वाइन किया, एक है अली इज द आर्किटेक्ट, दूसरा है डिजाइंड आर न्यू लाइब्रेरी। तो टू सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करने के लिए हमने हु का रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया है। यहाँ पे हमने ये देखें इसको सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। जैसे इंटरोगेटिव प्रोनाउन अगर होता तो हम कहते हु इज दिस गर्ल, ये लड़की कौन है, तो वहां पे हु का जो यूज होता ना वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर होता। यहाँ पे जो हु का यूज है वो रिलेटिव प्रोनाउंस के तौर पर है। तो आपके सामने अगर एग्जाम्पल इस तरह की आ जाती हैं तो आपने उसको आइडेंटिफाई करना है कैसे, कि देखिए टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए जब ये वाले प्रोनाउंस हु, हूज, विच, हुम, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट एंड दैट का यूज होता है तो उनको हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, लुक एट माई कार, लुक एट माई कार दैट I bought yesterday. Look at my car that I bought yesterday. यहां पे हमने कौन सा relative pronoun use किया है, that का। ये मेरी कार की तरफ देखें जो कि मैंने कल खरीदी थी, दैट। अब यहाँ पे दैट जो है वो हमने रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज किया टू सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करने के लिए, लुक एट माय कार और आई बॉट यस्टरडे। अब यहाँ पे ये देखें ये पूरा एक सेंटेंस बन गया है, लुक एट माय कार दैट आई बॉट यस्टरडे। यहाँ पे दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर थर्ड है हमारे पास, द पार्क विच इज इन लाहौर, द पार्क विच इज इन लाहौर इज सेंट्रल पार्क। पार्क जो के लाहौर में है वो मरकजी पार्क है। यहां पे हमने विच का जो वर्ड है इसको रियलिटी प्रोनाउन के तौर पर यूज किया है, द पार्क
विच इज इन लाहौर, पार्क जो के लाहौर में है, इज सेंट्रल पार्क, मरकजी पार्क है। यहाँ पे हमने विच को क्वेश्चन वर्ड के तौर पर यूज नहीं किया बल्कि रिलेटिव प्रोनाउंस के तौर पर यूज किया है सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करने के लिए। तो ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउंस है। अब हम एक और एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं। She is the girl whose book is on the table. Whose book is on the table? She is the girl whose book. यहाँ पे हमारे पास relative pronoun कौन सा है? Whose, जिसकी या जिसका, जिसको। She is the girl whose book is on the table. वो लड़की है जिसकी किताब टेबल पर है। यहाँ पे whose क्या है? Relative pronoun के तौर पर हमने use किया है। अब हम नेक्स्ट ये देखेंगे कि इनमें से कौन से प्रोनाउंस हैं जिनको आप एनिमल्स के लिए और थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, और कौन से प्रोनाउंस हैं जिनको आप पर्सन्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, या ऐसे भी हैं जिनको आप एनिमल्स, थिंग्स और पर्सन तीनों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम आपको मेरे ख्याल में आप समझ आ गया होगा रियलिटी प्रोनाउंस का। अब हम नेक्स्ट उनका जो है वो यूज़ देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास दैट। दैट को आपने एनिमल के लिए, थिंग्स के लिए और पीपल तीनों के लिए यूज कर सकते हैं। यूज फॉर पीपल, एनिमल्स एंड थिंग्स। मतलब जब आप सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन कर रहे होते हैं तो वहां पे आपने दैट का प्रोनाउन, अगर आप पर्सन को रेफर कर रहे हैं किसी को तो आप दैट का रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। अगर एनिमल्स को रेफर कर रहे हैं तब भी आप दैट का रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। थिंग्स को रेफर कर रहे हैं तो तब भी आप दैट को यूज कर सकते हैं। अब सेकेंड है हु। अब यहाँ पे हु जो है वो आपने ये देखना है कि इसको जस्ट हम पर्सन, पीपल के लिए यूज करते हैं, थिंग्स और एनिमल्स के लिए इसको आप यूज नहीं कर सकते। अब जैसे हमने कहा था कि शी इज द गर्ल हु इज माई सिस्टर। अब यहाँ पे हमने लड़की के लिए हु इस्तेमाल किया है, हम एनिमल्स और थिंग्स के लिए हु का यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास हुम। इसको भी आपने यूज फॉर पीपल, पीपल के लिए, पर्सन के लिए आप लोग यूज कर सकते हो, एनिमल्स और थिंग्स के लिए इसको यूज नहीं कर सकते। विच कौन सा? विच जो है इसको आप एनिमल्स और थिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं, पीपल के लिए यूज नहीं कर सकते। यूज फॉर एनिमल्स एंड थिंग्स। इसको आप पर्सन के लिए यूज नहीं कर सकते बल्कि एनिमल्स और थिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं। इसके बाद है हूज। हूज का मतलब है किसका या किसकी। तो ये पोजिशन के लिए यूज करते हैं, ये वाला जो रियलिटी प्रोनाउन है, किसी चीज पे आपने अपना जो है वो ऑनरशिप, पोजेशन या कब्जा जाहिर करना है तो वो आप हूज का प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। ये पीपल और एनिमल्स के लिए यूज हो सकता है। यूज फॉर पोजेशंस ऑफ पीपल एंड, यूज फॉर पोजेशन ऑफ पीपल एंड एनिमल्स, एंड एनिमल्स। नेक्स्ट है हमारे पास वेयर। वेयर जो है वो उसको आप प्लेसेस के लिए यूज कर सकते हैं। यूज फॉर प्लेस। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन। व्हेन को आप टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। व्हेन यूज फॉर टाइम। इसके बाद हमारे पास है व्हाई। स्पेस कम हो गई है। व्हाई को आप यूज कर सकते हैं रीजन के लिए। यूज फॉर रीजन। अब हमारे पास नेक्स्ट एक ही रह गया है व्हाट। व्हाट जो है आप थिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखें, ये जो प्रोनाउंस हमने रिलेटिव प्रोनाउंस देखे हैं, अब आप ये समझें कि दैट जो है वो इट इज यूज फॉर पीपल, एनिमल्स एंड थिंग्स। हु जो है वो पीपल के लिए यूज होता है। हुम भी, जब आप किसी पर्सन को रेफर करोगे, किसी पीपल को रेफर करोगे तो हुम का यूज करोगे। विच जो है वो आप एनिमल्स और थिंग्स के लिए यूज करोगे। हुज जो है वो पोजिशंस के लिए, पीपल और एनिमल्स की पोजिशन किसी चीज पे जाहिर करने के लिए आपने हुज का यूज करना है। वेयर जो है वो आप प्लेस के लिए यूज करोगे, किसी जगह के लिए।
when जो है वो आप जब time को refer करोगे तब, और why जो है वो आप reason देने के लिए use करोगे, और what जो है it is used for things. अब इससे पहले मैंने आपको relative pronoun की जैसे examples दी थी कि she is the girl whose book is on the table, ये वो लड़की है जिसकी किताब, आप यहाँ पे ये देखें whose पोजिशन, जिसकी किताब, उस किताब पे उसकी पोजिशन जाहिर करने के लिए हमने रिलेटिव प्रोनाउन हूज का यूज किया था. फिर इसके बाद दैट का मैंने आपको सिखाया है कि पीपल के लिए भी यूज कर सकते हो, एनिमल्स के लिए और थिंग्स के लिए भी. जैसे हमने एग्जांपल दी थी कि अली इज द आर्किटेक्ट हु डिजाइंड आर न्यू लाइब्रेरी, सॉरी दैट दैट के लिए था, इसके लिए थिंग्स के लिए लुक एट माई कार दैट आई बॉट यस्टरडे. तो अब कार के लिए हमने दैट का रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया था, कार इज अ थिंग. तो कार आप एनिमल के लिए भी, पीपल और थिंग्स के लिए भी यूज कर सकते हैं. इसके बाद हमने एग्जांपल दी थी विच की, ये देखें यूज फॉर एनिमल्स एंड थिंग्स. तो पार्क जो है इट इज अ नेम ऑफ अ प्लेस, तो इसको थिंग हम कह सकते हैं. तो यहाँ पे हमने क्या कहा था, द पार्क विच इज इन लाहौर इज सेंट्रल पार्क. तो विच का जो प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन है वो हमने पार्क के लिए यूज किया था. तो आप इसको नोट कर लें कि कौन से रिलेटिव प्रोनाउन आपने कौन से पर्पस के लिए यूज करने हैं. ये था हमारा आज का लेक्चर रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में. होप सो आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.